हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम क्या देख रहे हैं, विजन आईएएस का पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। इसके पहले हमने दो लेक्चर कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा है। तो सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर वाला सेक्शन देख लिया, इसके बाद हमने पेंटिंग्स देख ली और हम इस वाले सेक्शन पे डांस एंड म्यूज़िक देखेंगे पहले सेक्शन में, एंड सेकंड सेक्शन में हम लिटरेचर देखेंगे जो कि फोर्थ और फिफ्थ, जो कि आपका थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन है उसके अंदर, बुकलेट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला आप लोग एक बार अच्छे से इमेज देख लीजिए। यही हमारा आज का पहला टॉपिक का स्टार्ट है, ये है आसमिस भवना करके जो डांस है उसके बारे में है। और यही एक ये आर्चवे है जिसे हम तोरण भी कहते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। असल में कहीं बुकलेट में जगह तो है नहीं, मैंने जैसे आप लोगों को कहा है तो मैं इसको स्टार्टिंग में लगा के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और इनके ड्रेस देख लीजिए, काफ़ी चमकीले हैं, काफ़ी ग्लिटरी हैं, वाइट कलर के इन्होंने ड्रेस पहने हैं। और ये इस गेट के ऊपर ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो आप लोगों को येल्लो येल्लो वो आग है, और इस गेट के बाद ही ये लोग जो है एंट्री लेते हैं। और ये चीज़ देखने में आप लोग नोटिस करिए कि यहाँ पे एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये आपका असमिस भावना डांस है, ठीक है। आगे अब इसके बारे में ही चालू करते हैं हम लोग। तो हमारा ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये हमारा सेक्शन है डांस एंड म्यूज़िक का, और इसमें पहला टॉपिक है असमिस भावना, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात है ये न्यूज़ में क्यों रहा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक ग्रुप भवना आर्टिस्ट का क्या किया है, अबू धाबी में इस डांस को उन्होंने परफॉर्म किया है, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, ना कि अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज ब्रजावाली में, ठीक है। तो इस वजह से सिग्निफिकेंट रहा है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, भावना है क्या। तो भावना जो है वो माइथोलॉजी बेस्ड है, मतलब पौराणिक कथा पे बेस्ड एक नाटक प्रदर्शन है, ठीक है। जिसको किसने फाउंड किया था, इसको फाउंड किया था शंकर देवा ने किया था। इट वॉज फाउंडेड बाई और क्रिएटेड बाई शंकर देवा, ठीक है। ये प्ले जो भावना है उसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, अंकीय नाट बोला जाता है, और ये लोग जो अभिनय करते हैं उसे भावना कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि एक बार आप उस फोटो को अच्छे से देखिए, इस डांस में लगभग 40 से 50 व्यक्ति होते हैं, और इस डांस में डायलॉग्स होते हैं, सॉन्ग्स होता है, डांस होता है, और परफॉर्मर जो है अलग अलग कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं और ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, ठीक है। अब भावना में जो ऑर्केस्ट्रा अटायर होता है, जो स्टेज वाला होता है, वो काफ़ी स्टार्क वाइट होता है, वाइट कलर का जैसे मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी चमकीला होता है। और ये लोग अलग अलग राजा रानी दैत्य और जानवरों को ये लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं जैसे कि इसकी इसमें क्या होता है, ये जो परफॉर्मेंस होते हैं ये एक आर्कवे से निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, तोरण भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको उसमें क्या बोलते हैं, अग्नि ग्रह बोलते हैं, ठीक है, अग्निगढ़ बोलते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायलॉग्स बोलते हैं जो कि ब्रजावाली में होता है, ठीक है। किस लैंग्वेज में होता है, ब्रजावाली में होता है, और ये ऑफन लिरिकल मतलब कि गाने के टाइप में होता है, एक लयबद्ध तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। अब द मेन ड्रामा इज जनरली प्रोसीड बाई द परफॉर्मेंस ऑफ ज्ञान ब्यान, मतलब जो मेन ड्रामा जो होता है वो ज्ञान ब्यान हो जाने के बाद होता है, ठीक है। और अब देखो ये क्या है, ये म्यूजिकल है, इट इज़ अ म्यूजिकल परफॉर्म विद अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये म्यूजिकल होता है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जैसे कि खोल, ताल, दोबा, नागराज, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वे आर क्रिएटेड बाय, और सारे इंस्ट्रूमेंट भी इसके किसने किए हैं, शंकरा देव ने, विथ अ डिफरेंट हार्ड एंड फास्ट सिक्वेंस। और ये कैसे, कभी तेज़ कभी स्लो, इस टाइप के रूल्स में होता रहता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रजावाली। ब्रजावाली क्या थी, मैंने बताया था ना, ये लैंग्वेज है जिसके बदले में ये लोग वहाँ अबू धाबी में ब्रजावाली में ना बोल करके इन लोगों ने इंग्लिश में बोला है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल लैंग्वेज है, इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया, शंकर देवा जी के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि संस्कृत जो है ओरिजिनल लैंग्वेज थी, वो जल्दी कॉमन लोगों, आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, ठीक है। जो कि संस्कृत क्या, इसमें ये लिखा हुआ है कि संस्कृत जो है रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी तो होती थी लेकिन वो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। इस वजह से शंकर देवा ने क्या सोचा कि हम एक नई भाषा क्रिएट करते हैं, और उसका नाम इन्होंने क्या लिखा, ब्रजावाली। क्या नाम रखा, ब्रजावाली। आगे देखते हैं, शंकर देवा ये लैंग्वेज और इसलिए चाहते थे क्योंकि जो असम के लोग थे ना, वो अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि असम के लोग वो बिल्कुल नहीं ये चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करते थे कि उनका जो डिवाइन कैरेक्टर, जो दैवीय
कैरेक्टर होता था, वो कोई कॉमन लैंग्वेज बोले, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं अगर वही उनके भगवान या कोई दैवीय कैरेक्टर बोलेगा तो वो उन लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, अब आगे है शंकर देवा के बारे में देख लेते हैं, शंकर देवा की पर्सनैलिटी के बारे में। तो इनका नाम जो था श्रीमंत शंकर देवा था, ये एक ग्रेट असामी सेंट थे, स्कॉलर थे, पोइट थे, प्ले राइट का मतलब नाटक लेखक थे, समाज सुधारक थे, और इन्होंने असम में वैष्णविज्म की इन्होंने स्थापना की, वैष्णव धर्म का स्थापक असम में कौन थे, तो श्रीमंत शंकर देव थे। अब इसके बाद इन्होंने असम में क्या किया, भक्ति मूवमेंट को भी इंस्पायर किया और लोगों को एक किया वैष्णवाइट मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या लिखा हुआ है। हाँ, इन्होंने क्या किया, एनरिच भी किया आसमिस लैंग्वेज को। इन्होंने हाँ एनरिच कैसे किया, पोइट्री ड्रामा और लिटरेचर के थ्रू किया। ठीक है, इसके बाद इन्हें क्या बोला जाता है, सतारिया डांस। सतारिया डांस कौन सा, क्या है, असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, शास्त्रीय डांस है असम का, उसके जनक किसको कहा जाता है, शंकर देव को। ठीक है, तो आज के इसमें सिर्फ इस वाले सेक्शन में, मेन सेक्शंस में यही सिर्फ था आसमिस भावना के बारे में इस बार विजन आईएएस की बुकलेट में। अब इसके बाद देखते हैं अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन से आर्ट्स होते हैं, ऐसे और आर्ट्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ स्टेज। ठीक है, उन्हें हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। तो इस बार और किस किस परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, तो पहला है गटका। ठीक है, क्या है गटका, तो ये एंशियंट मार्शल आर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा मार्शल आर्ट है। इससे पहले ये जो कलारी पयट्टू है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो इसको याद रखिएगा कि ये भी मार्शल है और ये कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, ये वर्ड गटका का मतलब होता है वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़ी के लिए, जो कि ट्रेनिंग में यूज़ की जाती है। ठीक है, अब ये इसके बारे में ये मान्यता है कि ये जो डांस है या फिर ये मार्शल आर्ट जो है वो कब ओरिजिनेट हुआ था या किसके द्वारा ओरिजिनेट हुआ था, सिखों के छठवें गुरु गुरु हर गोविंद के समय पे, जब उन्होंने क्या किया था, कृपाण को धारण किया था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, तो गटका कहाँ का है आप लोगों को ध्यान रहेगा, ये एंशियंट मार्शल आर्ट है पंजाब का और इसका जो कनेक्शन है वो सिख गुरु हर गोबिंद जी के साथ है। ठीक है, अब देखते हैं ये कलारी पयट्टू, ये तो यूपीएससी में आ चुका क्वेश्चन है। तो कलारी पयट्टू भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये कहाँ का है, केरला का है, और ये कब इसका ओरिजिन हुआ है, 3rd सेंचुरी BC में। तो कलारी पयट्टू में जो मेन चीज़ है वो क्या है, कलारी पयट्टू जो है वो इसकी टेक्निक जो है वो कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का, स्टेप एंड पोस्चर्स का है। ठीक है, इसके बाद है यक्षा गाना। यक्ष का मतलब क्या होता है, डिवाइन गॉड्स। ठीक है, या डेमी गॉड्स बोला जाता है, नेचुरल स्पिरिट या फिर डेमी गॉड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, कहाँ का, कर्नाटका का, जो कि माइथोलॉजिकली स्टोरीज पे है, पौराणिक कथाओं पे बेस्ड होता है, जो कि पुराना से लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मोस्ट पॉपुलर एपिसोड जो होता है वो महाभारत और रामायण से लिया जाता है। अब आगे इस बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका, डांस का, म्यूजिक का, डायलॉग का, कॉस्ट्यूम का, मेकअप का और स्टेज टेक्निक का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो मैं जैसा मैंने आप लोगों को यक्ष का मतलब बताया, यक्ष का मतलब होता है डेमी गॉड और गाने का मतलब होता है सॉन्ग। ठीक है, तो द सॉन्ग ऑफ डेमी गॉड, आप यक्ष गाना को ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसका जो मान्यता क्या है कि कब ओरिजिन हुआ है, इसका ओरिजिनेशन जो 11th से 15th सेंचुरी के बीच में जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस समय इसका ओरिजिनेटेड माना जाता है, ओरिजिन इसका माना जाता है। आगे देखते हैं खोन रामलीला। ठीक है, तो ये खोन रामलीला जो है वो क्यों न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में ये है कि अभी कल्चर डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उसने जो है पहली बार कंट्री का फर्स्ट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस प्रोग्राम रखा है खोन रामलीला के, इन कोलैबोरेशन विद थाईलैंड गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है उसने थाईलैंड की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके पहली भारत में पहली बार इस का खोन रामलीला का ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस प्रोग्राम रखा था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि खोन ये है क्या, खोन रामलीला, तो ये एक मास्क डांस परफॉर्मेंस है। ये क्या है, मास्क डांस परफॉर्मेंस है ऑफ थाईलैंड। ठीक है, जिसमें ग्रेसफुल डांस होता है, मूवमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है और लोग काफ़ी चमकीले कपड़े पहनते हैं और
इसमें राम भगवान की ग्लोरी को दिखाया जाता है। अब इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो है इसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को नो वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। किस वर्ड्स पे? नो वर्ड पे। और सिर्फ जो है बैकग्राउंड की जो वॉइसेस होती हैं वही पूरी कहानी को पूरा नरेट कर देती हैं। आगे देखते हैं, ये खोन जो है थाईलैंड का है और ये यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद है मालाखंबा। मालाखंबा को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, मालाखंबा में ये लोग जो हैं जिम्नास्ट हैं। ठीक है, जिम्नास्ट यानी कि पहलवान लोग हो गए। और बीच में एक ऐसे पोल होता है और पोल पे देखिए ये लोग अलग अलग योगासन कर रहे हैं, अपने फीट्स के दम पे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो यही जो है इन टोटल में जो अगर हाँ, और ये आप लोगों का जो अभी मैंने आप लोगों को कहा था ये रामलीला वाला थाईलैंड के साथ, वो ये है। इसको भी थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। पहले हम लोग मालाखंबा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मालाखंबा के बारे में क्या है? ये इंडिया का ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसमें कि जिमनास्ट पहलवान लोग परफॉर्म करते हैं अपने पैरों के थ्रू, और एक एक पोज देते जाते हैं एक वुडन पोल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, द वर्ड ऑल्सो रिफर्स द पोल यूज इन स्पोर्ट। ये मालाखंबा जो है ना, उस पोल की वजह से, जो पोल ऐसे करके लगा हुआ है उसकी वजह से भी इसको मिला हुआ है। अभी मालाखंबा का जो ओरिजिनेशन है वो 12th सेंचुरी के समय पे बोला जाता है। और इसको जो है दोबारा, इसका पुनर्जीवित किसने किया था? 7th सेंचुरी में किया गया था। किसके द्वारा? बालम भट्टा दादा देवधर के द्वारा। ठीक है, जो कि किसके टीचर रहे हैं? पेशवा बाजीराव सेकंड के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये क्या है आपका? स्टेट स्पोर्ट्स है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये स्टेट स्पोर्ट्स है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये हम खोन रामलीला के बारे में देख रहे थे। तो ये देखिए, ये है खोन रामलीला का पूरा। देखिए, ये लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, काफ़ी ग्लिटरी ड्रेस है और कई सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि एक या दो लोगों का ये परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो डांस, और अगर हम डांस और म्यूज़िक के बारे में देखेंगे तो इस बार PT 365 में सिर्फ इतने ही टॉपिक थे। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हमारा क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। इसमें भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें एक या दो टॉपिक है, तो वो भी हम इसी सीरीज़ में देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों था ये देखना है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन था जिसने एक रिजोल्यूशन पास किया है और उसमें इन्होंने डिमांड किया है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर क्या है? मराठी इस बार न्यूज़ में थी। और क्यों थी? तो एक सम्मेलन है, सम्मेलन का नाम क्या है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, जिसने एक रिजोल्यूशन पास करके क्या डिमांड किया है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज में दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को सम्मेलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सम्मेलन है क्या और ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये सम्मेलन जो है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है मराठी राइटर्स की, और ये 1878 से हो रही है। 1878 से ये हर साल होती है और ये मराठी राइटर्स की है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जी रहे हैं, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ऑफ बड़ौदा रह चुके हैं, और प्रहलाद केशव जिनको आचार्य अतर्रे भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो सा हमारे कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि इन टोटल हमारे पास अभी कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो अभी हमारे पास टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। प्लीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है जो कि हमारे पास कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी है? हमारी तमिल है, देन वी हैव अ संस्कृत, इसके बाद हमारे पास कन्नड़ है, फिर हमारे पास तेलुगु है, फिर मलयालम है, और फिर उड़िया है। तो हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज वी हैव? वी हैव अ 6 क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि कौन बताता है? ये क्राइटेरिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बताता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये इसकी एक गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। तो उसका सबसे पहला है हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर। तो सबसे पहला, ये जो भाषा है इसके प्राचीन साहित्य और इसके लेखों का जो संग्रह होगा होना चाहिए, और ये जो संग्रह नहीं नहीं सॉरी
ये क्या मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि इसका हाई एंटिकिटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर। तो ये जो इस भाषा का जो ज्ञात साहित्य इतिहास होना चाहिए वो कम से कम 1500 से 2000 साल का पुराना का होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड है अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर। ये अब मैं सेकेंड वाले पे हूँ, ठीक है, अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाई अ जेनरेशन ऑफ स्पीकर। तो इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसके प्राचीन साहित्य और लेखों का संग्रह होना चाहिए, और ये जो संग्रह है जो वो स्कॉलर्स के द्वारा लिखा और पढ़ा गया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया वो ये है कि द लिटरेरी ट्रेडिशंस बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अदर अनदर स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, तो इसकी जो साहित्यिक परंपरा है वो खुद की सृजित होनी चाहिए, ना कि किसी और से ली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ ये है कि द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बींग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न देयर मे ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट। तो क्या बोला गया है कि क्लासिकल भाषा और साहित्य तथा आधुनिक भाषा जो है वो अलग अलग होती हैं, और ये दोनों की दोनों यहाँ पे दिखनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसके चार क्राइटेरिया थे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। अब इतनी डिमांड हो रही है भाई इसको कर दीजिए क्लासिकल लैंग्वेज, कर दीजिए, तो कुछ तो होना चाहिए ना, ये क्या इससे प्रॉफिट क्या है। तो इसके वो देख लेते हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो जो भी लैंग्वेज जब इसको दे दिया जाएगा तो इसको दो मेजर अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, और उन अवार्ड का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर ऑफ एमिनेंस, ठीक है, इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज। अब इसके बाद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेटअप भी होता है इसकी स्टडीज़ के लिए, और ये UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अवार्ड देता है ऐसे रिसर्च और प्रोजेक्ट्स को जो कि इस लैंग्वेज को प्रमोट करती हैं। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इनके लिए प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है, तो ये मेनली इसका प्रॉफिट था। तो हम लोगों ने देख लिया कि अभी रिसेंटली जो है वो क्या था, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज देने का दर्जा देने की डिमांड उठी है। अब देखते हैं दूसरी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपके लिए, दूसरी जो लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो उर्दू क्यों न्यूज़ पे थी भाई, तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, अभी इसने रिसेंटली प्रपोज किया है कि उर्दू की लैंग्वेज को दूसरे स्कूल फॉरेन लैंग्वेज वाले डिपार्टमेंट के साथ इसको मिला दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ये बात हुई तो इसको ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज़ का। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उर्दू जो है वो इंडिया की लैंग्वेज है, वो इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है, कहीं बाहर की नहीं है जो हम लोग कुछ भी इसको करवा दें, तो इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो अब थोड़ा सा उर्दू के बारे में देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ मेंशन होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th schedule के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये उन 15 लैंग्वेजों में से एक है जो कि हमारे नोट में इंडियन करेंसी नोट के पीछे लिखी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है कई स्टेट्स की, जैसे कि कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। अब इसके बाद उर्दू जो है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है, हिंदी से है। ठीक है, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी, दोनों के बोलने में और दोनों के ग्रामर में। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक ये कहा है कि उर्दू लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो 6th से 13th century AD में हुआ है, और इसका ओरिजिन लगभग पंजाब स्टेट के आसपास हुआ है। ठीक है, पंजाब स्टेट में इसका ओरिजिन तो हुआ है, लेकिन इसके ये फली फूली कहाँ पे, आपके दिल्ली रीजन में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, मेन डायलेक्ट ऑफ उर्दू आर, इसके मेन डायलेक्ट कौन है, दहलावी है, रिखता है। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी स्पेसिफिक चीज़ वो ये है कि भले ये लिखी पर्शियन स्क्रिप्ट में, मतलब इसकी जो लेखन शैली वो पर्शियन है, लेकिन ये इंडियन लैंग्वेज है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडियन लैंग्वेज में जो कि है तो इंडियन लैंग्वेज, लेकिन उनकी लेखन शैली जो है वो किसी दूसरी जगह से, कंट्री के बाहर से ली गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पंजाब की शाहमुखी लैंग्वेज को
दिया गया है। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका ओरिजिन भले पंजाब में हुआ है, लेकिन ये फली फूली कहाँ पे, दिल्ली और हरियाणा लैंग्वेज में, ठीक है। और सम स्टेट्स इन साउथ वर इट्स डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ दखनी, डेक्कनी, द साउथ में इसको दखनी के फॉर्म में भी किया गया है। तो हमने क्या क्या देख लिया, मराठी देख लिया, हमने उर्दू देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इंडाइजीनियस लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, स्वदेशी भाषाओं के बारे में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो यूनाइटेड नेशन ने ईयर 2019 को इंटरनेशनल ईयर फॉर इंडाइजीनियस लैंग्वेज के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि ईयर 2019 जो है वो, उसको यूनाइटेड नेशन ने कौन सा ईयर जो है वो घोषित किया है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इट वॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडाइजीनियस लैंग्वेज, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर पे आपको स्वदेशी भाषाएं मिलेंगी, और ये वो भी जिंदा रूप में, मतलब वो आज भी बोली जाती हैं, जिनका नंबर कितना है 840 है, जबकि इंडिया में, इंडिया फोर्थ पोजीशन पे और यहाँ पे 453 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको इंडिजिनियस लैंग्वेज अगर आपको देखनी है तो कहाँ पे आपको मिलेंगी, पापुआ न्यू गिनी में मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर देखा जाए सभी रीजन्स को मिलाया जाए तो सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा है, ये लगभग 70% जो है इंडिजिनियस लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, यूनेस्को की एक एटलस है, उस एटलस का नाम क्या है, एटलस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजों का ये एटलस है जो कि अभी खतरे में है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि 1950 से लगभग 228 लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, मतलब कि वो लुप्त हो चुकी हैं, और लगभग 10% जो है वो वल्नरेबल है, और जबकि दूसरी 10% जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसने कुछ बातें कही हैं, वो भी देख लेते हैं। इंडिया में 5 लैंग्वेज जो है लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और 42 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये टाइम पीरियड कब से, 1950 से इसमें किया गया है। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको लेकर के क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक प्रोग्राम को जो है ये इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका नाम है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल मदर टंग एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच आर स्पोकन बाई लेस देन 10,000 पीपल। तो ये जो प्रोग्राम है इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा ऐसी मदर टंग को जो कि 10,000 से कम की संख्या वाले लोग बोलते हैं उनको, ठीक है। और इसमें जो है डायलैक्ट्स, मतलब कि बोलियों को भी किया गया है, और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैसूर में बेस्ड CIIL के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आप लोगों को बहुत पॉइंटली बताना पड़े। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को को देखेंगे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी गलती अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिए, मैं कोशिश करूँगी उन गलतियों से ओवरकम करने की। एंड मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स 2020। थैंक यू।